नमस्कार, मैं साक्षी, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। भाजपा मुख्यालय में ऐसे हुआ पीएम मोदी का स्वागत, चारों ओर गूंजे मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बीजेपी अकेले अपने दम पर 300 से ज्यादा सीटों पर जीतती नजर आ रही है। वही एनडीए भी 350 सीटों को पार कर गई है। अब तक इतिहास में पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने 300 का आंकड़ा छुआ हो। इससे पहले 2014 में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर 282 सीटों पर कब्जा किया था। अब ये तय हो चुका है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को शुक्रिया कहा। इस दौरान पूरा कार्यालय मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। चुनाव में एक तरफ मोदी थे तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष। पूरे देश में कहीं महागठबंधन बना तो कहीं किसी ने क्षेत्रीय पार्टी के लिए सीट छोड़ दी। अकेले मोदी सब पर भारी पड़े। वाराणसी लोकसभा सीट पर पीएम मोदी 4,79,505 वोटों से जीते हैं, जबकि महागठबंधन की प्रत्याशी शालिनी यादव को करीब 1,95,000 वोट मिले। वाराणसी में कांग्रेस प्रत्याशी अजय राव तीसरे नंबर पर है। बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार भले ही बहुमत से चलती हो, लेकिन देश सर्वमत से चलता है और हम इस विचार के साथ साथ सभी को साथ लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मोदी की विजय नहीं है, ये देश में ईमानदारी के लिए तड़पते हुए नागरिक की आशा आशंका की विजय है। यह 21वीं सदी के सपनों को लेकर चल पड़े नौजवान की विजय है। मोदी की जीत के साथ पाकिस्तान ने दागी शाहीन 2 मिसाइल। भारत में जिस वक्त मतों की गिनती का काम अपने चरम पर चल रहा था और सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को रुझानों में प्रचंड जीत मिल रही थी, उस वक्त पाकिस्तान ने मिसाइल परीक्षण कर सभी को चौंका दिया। दरअसल पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का परीक्षण किया, जिसको उसने पूरी तरह से सफल करार दिया है। पाकिस्तान सेना की तरफ से ISBR के मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट कर कहा है कि यह मिसाइल परमाणु हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस क्षेत्र सेना की मजबूती और क्षेत्र में स्थिरता के लिए यह जरूरी है। यह मिसाइल टेस्ट अरब सागर में किया गया। हालांकि इस मिसाइल परीक्षण ने कई तरह के सवालों को जन्म दे दिया है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि पाकिस्तान ने इसके लिए आज का ही दिन क्यों तय किया। यह बात एक माह से अधिक समय से जग जाहिर थी कि भारत में मतों की गिनती 23 मई को होगी। ऐसे समय में यह मिसाइल परीक्षण अपने आप में सवालों के घेरे में आ गया है। आपको यहाँ पर ये भी बता दे कि इस तरह के परीक्षण यूं तो अचानक से नहीं किए जाते। पीएम मोदी की ऐतिहासिक जीत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। देश में मतों की गिनती गुरुवार सुबह 8 बजे से जारी है और अभी तक 560 लोकसभा सीटों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। इसमें से बीजेपी अकेले 289 सीटों पर जीत चुकी है और 14 सीटों पर आगे चल रही है। पीएम मोदी की स्पष्ट जीत के साथ ही वैश्विक नेताओं ने उन्हें बधाई देनी शुरू कर दी है। इन वैश्विक राजनेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। बधाई देने के साथ ही इन वैश्विक नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पीएम मोदी के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को जीत की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भारत और अमेरिकी साझेदारी के लिए आगे अच्छा होने वाला है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी को बड़ी चुनावी जीत के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी की वापसी से भारत और अमेरिकी साझेदारी के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मैं हमारे महत्वपूर्ण काम जारी रखने का इच्छुक हूँ। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।